गाजीपुर से खबर है, जहां पर सांसद अफजाल अंसारी का चुनाव से पूर्व 7,50,00,000 की सांसद निधि को रोक लगा दिया गया। सांसद अफजाल अंसारी ने कानूनी लड़ाई लड़कर ब्याज सहित उसे 7,50,00,000 की सांसद निधि को कराया रिलीज। आज एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बात बताई है। सांसद अफजाल अंसारी ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। करीब एक सप्ताह पूर्व सोहेवल थाना क्षेत्र के गांव में भूमिहार समाज के लोगों के द्वारा बिंद समाज के युवक को गोली मारने की घटना पर बोलते हुए कहा कि गोली मारने वाले सत्ताधारी नेताओं के गोद में बैठने वाले हैं, उनकी जगह अगर कोई और होता तो अब तक कई लोगों का एनकाउंटर और पैर में गोली लग चुकी होती और घरों में बुलडोजर चल गया होता। सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी गई थी। हरियाणा का चुनाव कांग्रेस के द्वारा हारने पर सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, भाजपा के लोगों ने जनता में यह संदेश देने का काम किया है कि अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो जाटों का साम्राज्य हो जाएगा। जाट बिरादरी के खिलाफ नफरत परोस करके समाज के सारे लोगों को धोखा देकर भाजपा ने बाजी को पलट दिया। हुड्डा के मनमानापन को भाजपा ने प्रस्तुत कर इसका लाभ उठाया। अब वो बेचारा जिंदगी मौत की जंग ड्रामा सेंटर बनारस में झेल रहा है। गोद में उसके बच्चा है, परिवार के सदस्य दुखी हैं, पीड़ित हैं, भयभीत हैं। दिन दहाड़े बताया गया कि 10 लोग लगभग थे और सबके हाथ में नाजायज असलहा था और दौड़ा दौड़ा करके जो भी गांव का दिख रहा था उस पर गोली मार रहे थे। उसको तो बिल्कुल नज़दीक से मारा गया, वो बच गया, अपने बाल बच्चों के नसीब से बच गया। मकसद उसकी हत्या करना था। जो एक्शन होना चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो अभी तक तो नहीं दिखाई दे रही है। यदि पहले संगीता बोलना चाहती, उन्होंने कहा कि योगी मोदी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। अब कह तो रहे हैं कि यही ये अपराध, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। कानून व्यवस्था के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। जिस कानून व्यवस्था का डंका बजा रही है सरकार, उन्हीं की गोद में पलने वाले इस कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ा रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई? ये किसी गरीब का, किसी छोटी जाति का अगर व्यक्ति इस तरह की कोई घटना कर दे तो उसको पकड़ के उसके घुटने में, उसके छाती में गोली मार दी जाएगी। और इस तरह से जघन्य लोगों के अंदर भय और आतंक पैदा करने की कोशिश की गई, गरीब डरे हुए हैं। अगर ये भी अपने हाथ में कानून ले ले तो उनका कट्टा गोली धरा रह जाएगा। जैसा काम कार्रवाई होनी चाहिए नहीं है। मैं समझता हूँ पुलिस के ऊपर बहुत दबाव होगा, प्रशासन के ऊपर दबाव है। जिस राज्य में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी भी स्वीकार करता है कि पुलिस बहुत दबाव में है, वहां के दरोगा की क्या स्थिति होगी, वहां के जनपद स्तरीय अधिकारियों की क्या स्थिति होगी। लेकिन देश और प्रदेश अगर कानून का राज्य है तो ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, अन्यथा एक दिन जनता सड़क पर आंदोलित होकर के उतर जाएगी। इस मामले में भी मेरी मांग है कि सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए की सहायता दिया जाए, उसका मुफ्त इलाज लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में ले जाकर कराया जाए और यहाँ जो आतंकित हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं, गरीब, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। सांसद जी, 9mm पिस्टल से मारा गया है जो परिवार, असलहों की फैक्ट्री और भरमार है, सब पुलिस को पता है, लेकिन पुलिस भयभीत है, डरी हुई है, क्योंकि सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण ऐसे गुंडों को प्राप्त है, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा होता तो उसका घर गिरा दिया गया होता। हम आपसे पूछते हैं कितने घर गिराए गए इन अपराधियों के, कहाँ है बुलडोजर? ये बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर चलाने के लिए है। गरीब जनता जग चुकी है
और ऐसे अत्याचारियों को संरक्षण देने वालों को आने वाले दिनों में सबक सिखाएगी। सांसद पीड़ित परिवार से आपने बात की? हाँ। क्या बात? मेरी पूरी हमदर्दी उसके साथ है जी। मैं दिल खोल के सहायता करूंगा, खुल्लम खुल्ला गरीब के पक्ष में खड़ा हूँ। अगर इसमें प्रशासन समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं करेगा तो इन गरीबों को लेकर के हम लोग सड़क पर खड़े होकर के आंदोलन भी करेंगे, इस आवाज को सड़क से लेकर के सदन तक उठाने का काम करेंगे। धन्यवाद।